100 रुपये ये रहा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए लेडीज़ क्या देख रही है पता है, यहाँ पे चूड़ा मिल रहा है 100-100 रुपए का। तो इंडलॉग व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं रुकैयाज व्लॉग्स। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 100-100 रुपए का चूड़ा मिल रहे थे। जब मैंने एंटर किया तो इंडलॉग के मेट्रो स्टेशन के नीचे मार्केट नहीं लगा था, तो मैं इस साइड आ गई जो चौड़े वाली गली पड़ती है। यहाँ पे 200-200 रुपए के ये पर्सेस है और बड़े बड़े बैग्स भी है, छोटी छोटी पर्सेस भी है, कॉइन पर्सेस इस तरह के छोटी बच्चियों के लिए 250 के, और जो छोटे बच्चों के लिए है वो 100 रुपए वाला था जो आपको फरी वाला दिख रहा है ना, टांगा हुआ अंकल ने हाथ में ले रखा है, और बड़े वाले 100 रुपए के 200 रुपए के थे। और यहाँ पे 100-100 रुपए के ड्रेस आए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस थे, जैसे कि लॉन्ग कुर्ती थी और वन पीस ड्रेसेस थे, टॉप्स थे, प्लाजो भी थी इस तरह की कुर्ती, फ्रंट ओपन बटन वाला। और ये आपको लोकेशन में बता दूँ, सबा नर्सिंग होम के ठीक अपोजिट में 100-100 रुपए के इस तरह के ड्रेसेस मिल रहे थे। काफ़ी अच्छे थे, वैरायटी बहुत अच्छी थी, क्योंकि सुबह सुबह भैया ने अभी लगाए थे। ये देखिए प्लाजो 100 रुपये में, इसमें मुकेश का काम किया हुआ है। एक्चुअली मुकेश नहीं है रियल वाला, ये लेस चिपका हुआ है मुकेश जैसा लग रहा है। उसके बगल में ही भैया ने एक ज्वेलरी सेट का स्टॉल लगाया हुआ था। ये सारे 150-150 रुपये वाले पूरे सेट मिल जाएंगे आपको, नेक के और इयर रिंग्स है, और साथ में मांग टीका भी है। देखो कितने प्यारे प्यारे सेट्स हैं आपके, साड़ी का मैचिंग का, सूट का मैचिंग का ले सकते हैं, और 150 रुपये में बहुत ही अच्छा सा पीस है। ये देखिए सबा नर्सिंग होम इसके ठीक अपोजिट में, आप सबा नर्सिंग होम के तरफ मैंने क्रॉस कर लिया। यहाँ पे देखो 150 रुपए में शर्ट्स मिल रहे हैं, 150 रुपए में दो शर्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे जेंट्स के। आज तो जेंट्स के बारे में न्यारे हो गया, अच्छी वैरायटी आई हुई थी, जो जेंट्स आज मार्केट गए हैं उनका काफी फायदा हुआ होगा। अच्छा, अब मैं सबा नर्सिंग होम के ठीक फ्रंट में आ गई हूँ। यहाँ पे कार्डिगन्स लगे हुए थे, बड़ा सा एक स्टैंड लगा हुआ था, इसमें बहुत सारे डिजाइन थे, मैंने काफी डिजाइन कवर किए हैं। प्राइसेस थे इसके 200 रुपीज, और लॉन्ग जो कार्डिगन्स होते हैं ना इस तरह के, और स्वेटर्स भी थे और टॉप टाइप भी थे, बहुत सुंदर सुंदर इसमें डिज़ाइन थी, जैसे गर्ल्स पहनती है ना डेनिम्स के साथ। अभी तो विंटर आ रहे हैं तो इस तरह के ड्रेसेस ही चलेंगी। खैर अभी तो विंटर स्टार्ट हुआ है, अभी तो लोग दिवाली वगैरह के शॉपिंग में बिजी हैं, तो इसके बाद जो मार्केट में धूम मचेगी ना इस तरह के कार्डिगन्स की, कोट जैकेट स्वेटर इन सब की, ठीक है अभी स्टार्टिंग हो गई है, शुरुआत हो गई है। ये सबा नर्सिंग होम के ठीक फ्रंट में ये प्राइसेस ध्यान रखना, प्राइसेस मैंने बताई 200 और सही प्राइस मिलेंगे आपको मेरे वीडियोस में। तो ये देखिए ब्लू कलर है, उसमें सितारे मोती का काम किया हुआ है, और हर एक कार्डिगन में ना कुछ कुछ डिजाइंस किए हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ब्लू एंड पिंक का जो कॉम्बिनेशन था। ये देखो ब्लैक, बार बार मैं ब्लैक ही निकाल रही थी क्योंकि ब्लैक मुझे बहुत पसंद है, और आई एम श्योर कि 90% लोगों को ब्लैक पसंद है। तो इस तरह के कार्डिगन्स थे, और कलर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, कुछ येलो ब्राइट पिंक में थे। विंटर में इस तरह के जो कलर पहनते हैं ना तो बहुत खिले खिले से नज़र आते हैं, बहुत अच्छे लगता है। तो इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी वेलवेट के ड्रेसेस, ठीक है, वेलवेट के सूट अनस्टिच्ड। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ है अभी। अनस्टिच जो ड्रेस वेलवेट की दिखाने जा रही हूँ बहुत खूबसूरत है। पहले मैंने सोचा कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी दिखा दूँ कार्डिगन्स के, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी से परचेज कर रहे हैं, तो थोड़े दिन के बाद ये थोड़े से महंगे हो सकते हैं, तो आप अभी से परचेज करके रख सकते हैं इस तरह के कार्डिगन। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको पर्स, वहीं पर एक अंकल जी ने नीचे लगाया हुआ था, 100-100 रुपये के ये पर्सेस थे, कुछ क्लचेस थे, स्लिंग्स थे, सबके साथ आपको बेल्ट मिल जाएगा, 2-3 जिप है अंदर, पॉकेट्स हैं, और क्वालिटी और डिज़ाइन की वैरायटी काफ़ी अच्छी थी 100 रुपए के लिहाज से, और हर साइज़ में अवेलेबल थी, हर साइज़ में बिग थी, स्मॉल थी, मीडियम थी, और कॉइन पर्सेस भी थी। और वाइट वाली सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे, और ये बच्चों के लिए थी, बच्चों को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। उसी के पीछे एक भैया ने वॉल क्लॉक लगाया हुआ था, ये अभी 100 रुपये वाला मैंने दिखा, ये 150 का था, अभी जो है मेरे हाथ में 150 का, और कुछ 450, कुछ 500, 800 तक के रेंज के भी है। अभी जो मैंने उठाया ये है 250 रुपये का, और भैया गारंटी भी दे रहे थे 2 साल की, मामूली बात है 2 साल की गारंटी दे रहे हैं। तो अब आ गई मैं ये वेलवेट वाले सूट वाले भैया के पास, जो अनस्टिच सूट बेच रहे हैं सबा नर्सिंग होम के लेफ्ट की तरफ जो पहली गली है ना, ये कॉर्नर में ही भैया बैठते हैं। तो ये 400 रुपये का सूट था, एक कुर्ता था, साथ में बॉटम का कपड़ा दे रहे थे भैया, और नेक में काफ़ी हैवी काम किया हुआ था, डिफरेंट डिज़ाइंस कलर्स थे इसमें, नेक के जो डिज़ाइंस है ना सब में अलग अलग डिज़ाइंस थे इसमें, और ये स्लीव्स भी साथ में स्टिच किए हुए हैं, आपको कटिंग करके बस स्टिच करना है,
इसको अनस्टिच ही कहते हैं। और ये वाला भैया को मैंने बोला ये कलर खोल के दिखाओ, मुझे बहुत पर्पल वाला कलर ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये कलर, ये वाइन कलर भी इसको कह सकते हैं, वाइन कलर की फैमिली का ही है ये। और ये कलर ना विंटर में बहुत सुंदर लगती है। पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितना बारीक सा धागे का काम किया हुआ है। इसके फ्रंट में एक भैया ने स्कार्फ मिल रहे थे जो 150 के 2 दे रहे थे भैया। काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल था और बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, पैटर्न बहुत अच्छे लगे मुझे। कुछ शेडेड थे, एक मैंने देखा लैवेंडर कलर में, ये वाला लाइट लेवेंडर और डार्क वाले में, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। और लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी लेंथ थी और मटेरियल भी अच्छा था। तो ये सबा नर्सिंग होम वाले गली की बात कर रही हूँ मैं, वहीं पे भैया लगा रखे थे इस तरह के स्टॉल्स। ठीक है, तो विंटर में हम इस तरह के जिस तरह से स्टॉल यूज़ करते हैं, जैकेट पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, तो स्कार्फ तो एक लेते ही हैं। तो ये उलन टाइप था, वार्म था, इसको पहनेंगे ना वार्म ही लगेगा। और ये देखो यहाँ पे बेडशीट मिल रहे थे 100 के, सिंगल बेड के बेडशीट थे कॉटन में। और इसके मटेरियल भी काफ़ी अच्छी थी, मैंने देखा है इसका मटेरियल अच्छा था। ठीक है, जो अच्छा होता है मैं उसको अच्छा ही बोलती हूँ। और यहाँ पे उसी के ठीक अपोजिट में एक भैया सूट बेच रहे थे, तो पूरा सेट था सूट, मतलब विथ दुपट्टा था, जो 350 का दे रहे थे ये भैया। ये देखो इसमें प्लस साइज भी है, मीडियम और स्मॉल सब है। अब आ गई हूँ मैं मोइन भैया के शॉप पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई थी और इतनी ज़्यादा रश थी ना, मैं तो मतलब प्राइजेस ही नहीं पूछ पाई। कुछ कुछ चीज़ों के प्राइस मैंने पूछे। ये खिलौना जो मैंने पहले दिखाया है, एक कार थी जीप, वो थी 150-200 रुपये की, और ये भी 200 रुपये की थी, जिसमें स्केच पेन वगैरह थे, इस तरह के मग थे, लंच बॉक्सेस थी, और LED लाइट आई हुई थी, इस तरह के हेयर ड्रायर थे छोटे से, ये मिनी सा हैंड ब्लेंडर बहुत ही प्यारा था, और ये जो डॉल है ना ये घूमती भी, इसमें लाइट जलती है, ये इस तरह के सुंदर से दिया है ये, और इस तरह के भगोने टाइप आए हुए थे, कढ़ाई भी बोल सकते हैं, ये कैटल इलेक्ट्रिक कैटल, इसमें पानी गर्म कर सकते हैं, चाय गर्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एग बॉयलर भी था इनके पास, आज थर्मस भी थे, और होम अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा थी, और इस तरह के दिए थे, दिए की वैरायटी इनके पास बहुत ज़्यादा थी। ये था गन, ये 250 रुपये का था, आई थिंक 250 रुपये बताया था, या फिर 200 ऐसे कुछ होगा। और इस तरह के मसाले के डब्बे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनके वैरायटी आई हुई थी। और कमेटी के चक्कर में भैया जल्दी जल्दी दिखा रहे थे इस तरह। अच्छा, ये मुझे कुछ डॉक्टर सेट जैसा लगा, जैसे बच्चे खेलते हैं ना। और ये पेंसिल बॉक्स था कार के डिज़ाइन का, ये पिगी बैंक है, और बहुत सारी चीज़ें इनके पास आई हुई थी। इनका लोकेशन तो आपको पता चल ही गया होगा, अभी अभी मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ कि कौन सी गली है। देखो इस गली से मैं आपको पता लग जाएगा, ही जैसे ही मुड़ती हूँ सही लेफ्ट की तरफ, ये भैया लगाते हैं, मोहित भैया का शॉप है यहाँ पे, और बाहर उनके अम्मी बैठती है।